जिस किसी ने भी यहाँ रात रुकने की गलती करी है या कोशिश करी है, इधर गाइस एक्सीडेंट हो गया बहुत खतरनाक, बाइक पूरा टूट चुका है। तो अभी हम जा रहे हैं कुलधरा और वहाँ जाके बताते हैं वहाँ की क्या कहानी है। डूबिल पे वहाँ ट्रैक्टर खराब हो गया, मैंने हेल्प पैसे उससे लेगा कि नहीं। तो हेलो दोस्तों, अब हम जा रहे हैं ट्रैक्टर से लिफ्ट लेके कुलधरा विलेज, पर यहाँ बैठ के काफ़ी ज़्यादा तूफानी सफ़र होने वाला है क्योंकि एक तो रास्ता काफ़ी ख़राब है और बहुत ही मुसीबत से मैं इसमें एडजस्ट होके जा रहा हूँ और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो अभी हमने ट्रैक्टर से लिफ्ट ली और अब हम आ चुके हैं कुलधरा गांव में और आप मेरे पीछे देख सकते हो कि बकरियाँ वगैरह हैं और जा रहे हैं अंदर और यहाँ की क्या कहानी मैं आपको बताता हूँ, चलो फिर मेरे साथ। अब हम जा रहे हैं अंदर की तरफ, रास्ता काफ़ी ज़्यादा लंबा है क्योंकि मैं पैदल हूँ और आप यहाँ देख सकते हो कि कुलधरा विलेज का सारा मैप बना है कि कैसे कैसे घर हैं। अब हम जा रहे हैं अकेले और आगे और सब लोग गाड़ी से जा रहे हैं और मैं पैदल जा रहा हूँ और डर तो लग ही रहा है, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ, आप देख सकते हो कि हम धीरे धीरे आगे की तरफ जा रहे हैं और आगे कुलधरा विलेज है जो प्रॉपर विलेज है और यहाँ आप देख सकते हैं कि उस टाइम के घर वगैरह बनाए गए हैं, यहाँ से दोबारा बनाया है कि उस माहौल को दोबारा से दर्शाया जाए। और जो ये कुलधरा है कहते हैं कि ये एक शराब के कारण हुआ है, बड़े से बड़े इतिहास में जितने भी युद्ध हुए हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं एक औरत का हाथ है और यहाँ जो कहानी है वो भी एक लड़की के कारण ये सारा कुलधरा तबाह हुआ है और इसकी पूरी जानकारी मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या क्या हुआ। ठीक है दोस्तों, अभी भी यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जो कि देख दिखाव के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि गोबर से लिपा गया है और अंदर ये अंदर से पूरा कमरा आप देख सकते हो। और गौर करने की बात है, इतनी गर्मी में भी इतने ठंडे कमरे हैं। अभी हम सीढ़ियों से जा रहे हैं ऊपर की तरफ। यह है मंदिर और दूर दूर तक आप देख सकते हो घर एकदम टूटे फूटे हैं। और यह है सारी घर की बनावट जो कि मिट्टी से बनाया हुआ है और यहां पैर रखने के बाद भी आपको एकदम ठंडा एहसास होगा। और ऊपर सारे लकड़ियों से छत रोकी हुई है। यह सारा अंदर से बनाया गया और दूर दूर तक आपको घर और रेत देखने को मिलेगा यहाँ पर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक जमींदार था जिसका नाम था जालिम सिंह, जैसा उसका नाम था वैसे उसका व्यवहार था। कहा जाता है कि वो पहले जालिम नहीं था, जालिम वो इसलिए बना कि उसकी बाप की हत्या किसी ने गला काट के कर दी थी, तब से उसने अपना इस जालिम पर ना करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि वो एक बार आया था कुलधरा घूमने देखने की, टैक्स वगैरह लेने के लिए आया था वो। यहाँ उसको एक लड़की पसंद आई और कुलधरा गाँव में सब पालीवाल ब्राह्मण ही रहते थे उस टाइम पर,
तो उसने जो था सालिम सिंह, उसने इस लड़की को पाने के लिए बहुत कुछ किया। उसने यहाँ के टैक्सेस बढ़ा दिए, हर तरह के मतलब कि उनको मजबूर कर दिया। तो पालीवाल ब्राह्मण जो थे उनका बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा मजबूत था, पर उनका कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा। इस तरह जो सालिम सिंह था वो और अपना प्रेशर बढ़ाता रहा। उसने अपना प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया पालीवाल ब्राह्मणों के ऊपर। उसने पालीवाल ब्राह्मणों को कहा कि आप लड़की को भेज दो, इस पूर्णमासी तक लड़की मेरे हवेली तक आ जानी चाहिए। पर जो पालीवाल ब्राह्मण थे उनको अपनी इज्जत ज़्यादा प्यारी थी, तो उन्होंने सोचा कि हम सालिम सिंह की सेना से लड़ाई करेंगे। पर इतनी जो पालीवाल ब्राह्मण थे इतने ज़्यादा मजबूत नहीं थे, और उनकी जो क्या कहते हैं लोग भी कम थे, तो काफ़ी उन्होंने किसी ने कुछ सुझाव दिया, किसी ने कुछ सुझाव दिया, पर सबके सुझाव रिजेक्ट होते रहे किसी ना किसी प्रॉब्लम से। तो आखिर में उन्होंने एक फैसला किया कि हम ये गांव छोड़ के चले जाएंगे। तो रातों रात वो सब गांव छोड़ के चले गए, पर छोड़ने से पहले उन्होंने श्राप दे दिया कि इस गांव में कोई भी बसेगा नहीं। और उसके बाद सालिम सिंह के लोगों ने यहाँ पर बसने की कोशिश करी, कुछ लोग पागल हो गए और जिनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी उनके बच्चे मर गए, किसी ना किसी कारण से उनके बच्चों की और उनकी मौत होने लग गई। तो ये शराब अभी भी यहाँ पर बरकरार है, और यहाँ पर रात कोई भी नहीं रुक सकता। जिस किसी ने भी यहाँ रात रुकने की गलती करी है या कोशिश करी है, वो किसी ना किसी तौर पर पागल हो गया या फिर उसके बुरा समय शुरू हो गया। अब हम जा रहे हैं मंदिर की ओर, और आपको दिखाते हैं कि मंदिर किस तरह का दिखाई देता है। और ये है मंदिर, और ये पीले पत्थरों से बनाया गया है, और यहाँ पर कुछ मंत्रों का देख सकते हैं लिखे हुए यहाँ पर मंत्र। ये जो आप देख रहे हो ये है वहाँ के जो थे उस टाइम के प्रधान, उनका ये घर है, और ये काफ़ी खुला डुला घर है। अब इस तरफ कंस्ट्रक्शन का चल रहे हैं, इसको दोबारा से बनाने का काम, और उस तरफ सीढ़ियाँ वगैरह जाती हैं और रास्ता है। देख सकते हैं उस टाइम की ठेला गाड़ी कह सकते हैं इसको, जिस पर सामान वगैरह लेके जाया करते थे। ये आप देख सकते हो कि दूर दूर तक घर एकदम वीरान उजड़े हुए हैं, और गवर्नमेंट ने भी इसको हॉरर घोषित कर दिया। और मैं निकल चुका हूँ बाहर की ओर, कुलधरा विलेज मैंने घूम लिया है। वैसे मुझे तो वैसे कुछ डरावना लगा नहीं, पर मैं रात में रुकना भी नहीं चाहते यहाँ पर कि मुझे कोई डरावना लगे, इसलिए मैं चलता हूँ बाहर की तरफ। तो आप देख सकते हो मैं बाहर खड़ा हूँ कुलधरा के, देखता हूँ कि कोई लिफ्ट वगैरह मिलती है कि नहीं, मैं तो पैदल जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। पिछले 15 मिनट से मैं लिफ्ट का ट्राई कर रहा हूँ, पर लिफ्ट मिल नहीं रही, अब लगता है पैदल ही जाना पड़ेगा। और ये सुनसान गांव है, दूर दूर तक ना कोई दिखाई दे रहा है, ना बंदा ना बंदे की जात है, आप देख ही रहे हो। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अभी मेरे पीछे एक और गाड़ी आ रही है, देखता हूँ कि लिफ्ट देती कि नहीं देती। देखो ये हाल होता है, लिफ्ट तो मिली नहीं है, अब ऐसे ही जंगल जंगल घूमना पड़ेगा। और लोकेशन मुझे अच्छी लगी। गाड़ी और भैया क्या हाल है? थैंक यू भैया। तो अभी जा रहे हैं जैसलमेर की तरफ। इधर गाइस एक्सीडेंट हो गया बहुत खतरनाक, बाइक पूरा टूट चुका है।
थैंक गॉड ज़्यादा चोटें नहीं लगी हैं और हमने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है और एम्बुलेंस जल्दी आने वाली होगी और हम चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पर और भी यात्री हमें रखे हुए हैं, यहाँ से यात्री निकलेंगे। यात्री वहाँ से मैंने किसी से पूछा कि भाई तनौड़ के लिए कौन से बस जाते हैं यहाँ के, आपको लोग वो बस बनाएंगे, पप्पू बस बनाएंगे, कह रहे भैया कोई भी बस नहीं आती। तो मैंने दिमाग लगाया और यहाँ चाय का एक मैंने गिलास ले लिया और चाय वाले से पूछा कितने बजे आएंगे। यहाँ मैं सोया हूँ धर्मशाला में और यहाँ बकरी घूम रही है।